हैं आप सब लोग यस गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू होप यू ऑल आर फाइन आशा करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत बेहतर होंगे हाँ जी कैसे हैं आप सभी लोग आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल ऑडियो वीडियो क्लियर है जी एक बार प्लीज बता दीजिए आप सब लोग प्लीज एक बार बता दीजिए तो जल्दी से जुड़ जाइए वेलकम टू अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 सेवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए अब जरा देख लूँ कि कौन कौन आ चुके हैं एक बार मैं नाम देखूं संस्कार अंशिका ओके मनीषा अच्छा जी और देखूँ जरा जल्दी से जुड़िए क्लासे क्लास शुरू हो गई आप सबकी <clears throat> मैं एकदम ठीक हूं और आप लोगों से मिलने के बाद और अच्छी हो जाती हूँ <laughs> हाँ जी बस एक बार प्लीज़ बता दीजिए इज़ ऑडियो एंड वीडियो इज़ क्लियर ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो मुझे कृपया करके बस एक बार बता दीजिए गुड इवनिंग रेखा यस रेखा अंशिका गुड इवनिंग गुड इवनिंग अरे भाई मैं कहीं नहीं देखिए है क्या कि कोई आप लोग भी कई बार क्या होता है ना कि मैं आ जाती हूँ पाँच बजे तब तक पता चलता है कि आप नहीं रहते हैं है ना तो इसीलिए थोड़ा सा क्या रहता है कि ऐसा टाइम रखा जाए ताकि आप आ जाएं क्लास में और क्लास आपकी शुरू हो जाए चलिए जी पहुँच गए आप सब लोग अ वेरी गुड इवनिंग और जल्दी जुड़िए कहीं मत जाइए जल्दी जुड़िए आज हम लोग अच्छा आप लोगों के ये रहते थे कि मैम बड़े टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आज जो है प्रश्न का सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का रहेगा लेकिन ये है कि उससे 110 परसेंट आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी इन्हांस होने वाला है तो चलिए रेडी हैं आज के सेशन के लिए जी हाँ देखिए मैं आपके कमेंट देख रही हूँ इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ ये मत सोचेगा कि मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और कमेंट मैं आप लोगों के देख रही हूँ अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग खूब खुश रहिए खूब अच्छा कीजिए और बच्चा लोग खूब मेहनत कीजिए क्योंकि देखिए डे दे बाय डे जो है ना यूपीएससी का फिल्म अब धीरे 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 समय बढ़ता जा रहा है ना समय रुकता नहीं है कभी भी और ये समय भी अब अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है तो आ, नेक्स्ट ईयर जो है यानी अगले साल का जो यूपीएससी का फिल्म देखते देखते कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा तो इसीलिए समय कम है काम ज्यादा है थकना नहीं है हारना नहीं है और काम करना है जी भर के तो चलिए आते हैं यहाँ पे <coughs> अच्छा एक चीज और है रॉब वाला जो लास्ट बैच है उन्नीस हजार का बैच आप देख सकते हैं तो आप में से बच्चा लोग कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम उस बैच के बारे में बता दीजिएगा हम लोगों को रॉब के बारे में ये यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है इसमें ए टू जेड यानी ये क्या है 2024 और 25 के लिए बैच है विथ प्रिंटेड जो है बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आप को, कोड यूज कर लीजिएगा मेरा वाई प्राइस है उन्नीस ओके okay, जी चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग प्रश्न पर आते हैं आइए आज के प्रश्न सेगमेंट पे पहुंचते हैं ठीक है आज प्रश्न का सेगमेंट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा जो है ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई क्या है कि चीजें कुछ थोड़ी सी बहुत क्या हुई हैं चेंज हुई हैं है ना नहीं तो फिर कहेंगे कि मैम वैसा ही सेम चीजें हैं तो थोड़ा सा आज क्या है <coughs> क्योंकि कई बार यूपीएससी में आपके बियॉन्ड सोच के भी प्रश्न आ जाते हैं है ना अभी तो अगर जो बियॉन्ड सोच के जो प्रश्न आते हैं तो हाउ टू टैकल एंड हाउ टू हैंडल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह के प्रश्नों को क्या करें लगा लें इतने एमसीक्यूज़ लगा लें हर तरह के सभी टाइप के कि आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं और एक चीज़ और है सबसे पहले जितने भी लोग आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ओके चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है अब ये रहा पाल वंश पूछा जा रहा है पाल वंश की स्थापना किसने की थी फाउंडेड द पाला डायनेस्टी इज दैट धर्मपाल देवपाल गोपाल रामपाल और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए दे सब लोग यहाँ पे हाँ जी कुछ बच्चों ने कहा कि मैम इतना टफ सेगमेंट आप दे दे रही हैं कि कई बार हमें हमसे लग रहा है कि होगा ही नहीं तो ऐसा है बच्चों मुझे सबकी फिक्र है अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत टफ सेगमेंट दिया है तो नहीं ऐसा नहीं है मुझे भी मैं भी ये चाह रही हूं कि आपको हर तरह के प्रश्नों को आप क्या करिए लगाइए यस yes. <coughs> चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका फटाफट बिना विलंब किए हुए हाँ जी फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर जल्दी से आंसर दे दीजिए और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न आपको ज्यादा टफ लगेगा आई डोंट थिंक सो कि ये प्रश्न आप सबको यहाँ पे टफ लगने वाला है अच्छा पाल वंश की स्थापना किसने की थी धर्म पाल ने अरे भाई इजी इजी प्रश्नों में भी अगर ये हालत रहेगा तो फिर टफ टफ सेगमेंट कैसे करेंगे आप लोग हैं अभी से आपको क्या करना है आपको तो अभी से अपने आप को तैयार रखना है कि भाई हमें हर तरह के प्रश्नों को क्या करना है कर लेना है और अगर इस तरह की कंडीशन रही हालात अगर ऐसे रहे तब तो बड़ा ही क्या है नाजुक हालात रहेंगे अगर ऐसे हालात रहे तब तो बड़े ही क्या है मामला बड़ा ही क्या रहेगा पेचीदा हो जाएगा ऐसे में तो है थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए जो लोग भी आंसर दे रहे हैं कृपया करके एटलीस्ट थिंक एटलीस्ट एक बार कम से कम जरूर सोचिए कि आप आंसर दे क्या रहे हैं कि आप आंसर दे क्या रहे हैं कुछ भी देने से मतलब नहीं है आंसर सही देना ये ज्यादा मैटर करता है क्या धर्मपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी कहाँ पढ़ लिया है आप लोगों ने कहाँ पढ़ लिया है अभी ये बताइए हाँ मैं वही जानना चाह रही हूँ कि कहाँ पढ़ लिया आप सबने कि धर्मपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी ये बताइए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए भाई प्रश्न का आंसर देना है मैं बार बार कह रही हूं देना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी आंसर दे देना है आंसर देने का मतलब ये होता है कि प्रश्न जो है ऐसा दे कि जो बेहतर रहे ठीक है जी चलिए सबने अपने तरफ से आंसर दे दिया आइए आते हैं यहां पर हाँ जी आइए यहां पे देखते हैं प्रश्न पूछा गया हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी देखिएगा पाल डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इज फाउंडेड बाई गोपाल इन सेवन फिफ्टी एडी पाल एम्पायर के बारे में अगर कहा जाए तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर जो सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य इसको माना जाता था एक चीज और भी है आप लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा ट्रियो वॉर पढ़ा है आप सब लोगों ने त्रिपक्षीय इसको ट्रियो वॉर भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रियो वॉर इस ट्रियो वॉर में कौन कौन था भाई इसमें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कि गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार उसके बाद इसमें हम क्या देख रहे हैं यहां पर राष्ट्रकूट और पाल ठीक है इन्हीं तीनों के बीच में हमेशा क्या रहा है आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है तो पाल डायनेस्टी के बारे में अगर कहा जाए तो इनके टाइम पर एक चीज और भी है आर्ट एंड कल्चर का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था दैट्स वाई जो पाल डायनेस्टी है ये काफी ज्यादा क्या रहे पॉपुलर रहे और उत्तर भारत में इस समय पर यानी जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं अगर इसको अगर देखा जाए तो सात के आसपास में तो ये काफी नामी रहे और काफी शक्तिशाली डायनेस्टी रही है उस टाइम पे चलिए जब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डाइनेस्टी प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था भोज परमार मिहिर भोज महेंद्र पाल ध्रुव उपरुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक चलिए आंसर दीजिए फटाफट -फड़ जल्दी से हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए आंसर <coughs> देखिए सिंपल साधारण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी इज दैट भोज परमार इज दैट मिहिर भोज महेंद्रपाल ध्रुव इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक प्रश्न आपसे आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे बहुत पॉपुलर है ये अगर बारे में बात किया जाए गुर्जर प्रतिहार ये वो डायनेस्टीज़ हैं जो उस समय पर जिनका क्या था हम लोग क्या देख रहे हैं जो काफ़ी पावरफुल शक्तियां हुआ करती थी एंड वन मोर थिंग आफ्टर द यहां पर अगर बात किया जाए सो व्हाट वी कैन सी हम लोग क्या देखते हैं कि जब जब गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है तो इसके बाद आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के शासन जो है वो शुरू होते हैं लेकिन उनमें से कुछ डायनेस्टीज़ जो है वो लीडिंग डायनेस्टी के तौर पर इमर्ज होती हैं या लीडिंग डायनेस्टी के तौर पर वो कार्य कर रही होती हैं इन सब का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेनली कौन सा जगह था दैट वाज़ आपको कन्नौज कि कन्नौज को क्या करना है ऑक्यूपाई करना है या कन्नौज के एरिया को क्या करना है एनेक्स्ट करना है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है चलिए अब बताइए कि यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न जो है ना रियल फाउंडर वाले जो प्रश्न होते हैं वास्तविक संस्थापक वाले जो प्रश्न होते हैं ये आपके मध्यकाल में भी पूछे जाते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था यह प्रश्न पूछा जाता है तो उसी प्रकार से प्रश्न आपसे यहां पर भी पूछे जाते हैं ठीक है जी चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए क्या होना चाहिए आंसर जल्दी दीजिए भाई इतना इतना आराम आराम से आंसर क्यों दे रहे हैं इतना आराम आराम से आंसर क्यों दे रहे हैं चलिए आते हैं यहां पर देख लेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यहां पर इस, इस पूरे डायनेस्टी का जो सबसे प्रतापी शासक जिसके नाम से ही क्या रहा है काफी ज्यादा ये डायनेस्टी पॉपुलर रही है दैट वाज मिहिर भोज नाम क्या है भोज तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर एंड जो इसके बारे में अगर कहा जाए कि ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज भोज Uh, वास्तविक संस्थापक महान शासक भोज था और शिलालेख के अनुसार इस रा, इसका राज्य जो है ये सतलज नदी के पूर्वी तट तक फैला हुआ था इसे मिहिर भोज भी कहा जाता था है ना ये भगवान विष्णु के भक्त थे आता विकल्प बी जो है दैट इज द राइट आंसर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं हु फाउंडेड द चोला एम्पायर देखिए ये एंशियंट हिस्ट्री है इसलिए एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपके लिए जो प्रश्न रखे हैं वो वैसे नहीं रखे हैं जिसमें आपको चक्कर आ जाए ठीक है हाँ आपके लिए सोच करके ही शालू मैंने आंसर दिए रखे हैं यहाँ पे यस yes, आकृति प्रश्न जो मैंने यहाँ रखा है ना रखने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है ताकि आपको यहाँ पर जो आपका बेसिक है बेसिक मतलब ये हुआ कि कई बार एंशियंट हिस्ट्री जो है ना दैट बिकेम टू डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक क्या हो जाता है ये टफ़ हो जाता है पढ़े कैसे याद कैसे करें तो कहीं ना कहीं से अगर हम लोग ऐसा क्यों ना कि स्टेप वाइज हम इसे क्या करें तैयार करें अगर स्टेप वाइज आप इसको तैयार करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा दैट्स वाई मैं आपको सेगमेंट वाइज अगर कहा जाए कि एंशियंट में जो डायनेस्टीज आप देख रहे हैं इन डायनेस्टीज़ के बारे में अच्छे से जान लें कि पहले तो सबसे पहले क्या है कि कुछ म, जो महत्वपूर्ण शासक हुए राजा हुए अब गुर्जर प्रतिहार बात किया जा रहा है आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मिहिर भूज कौन है ठीक है आपको धर्मपाल नहीं पता आपको गोपाल नहीं पता है इट मींस कि नाउ यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन और एंशियंट के प्रश्न पूछे ही जाएंगे ये बात लिख लीजिए हां अगर यह सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो यह गलत फहमी में है आप लोग ठीक है जी चलिए सबने अपना अपना आंसर दे दीजिए रेखा ने डी आंसर दिया है देखिए आप सबके जो प्रश्न के आंसर है ना वो मैंने कभी नहीं देखा इतने गलत आंसर आप लोग क्यों दे रहे हैं वाई यू ऑल आर गिविंग जो है बहुत ज्यादा आप लोग क्या कर रहे हैं रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और रॉन्ग आंसर मतलब नहीं बनता है चोला डायनेस्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी प्रश्न यही है ना आप सबका कि भाई चोला डायनेस्टी या चोला वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई यहां देख लीजिए सबने अपने अपने तरफ से आंसर दीजिए करेक्ट आंसर विजयालय है 850 ईसवी में महान चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी एंड इट वॉज इस्टैब्लिस्ड बाई विजयालय विजयालय डिफीटेड द पल्लवाज ऑफ कांची एंड इस्टैब्लिस द चोला एम्पायर ही वॉज अर्लियर फ्यूडरेटरी ऑफ द पल्लवाज यानी शुरुआत में अगर कहा जाए आरंभ में कहा जाए तो ये आरंभ में कौन थे तो ये आरंभ में जो पल्लव थे उन्हीं के क्या थे यहाँ पर जो है सामंत हुआ करते थे ठीक है रेखा चलिए जी अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर <coughs> अरे हु फाउंडेड द गजनवी डायनेस्टी वैसे इसको अगर आप इसके बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये कई बार प्रश्न आपसे आता है और इसका जो है यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हो गई हैं इसको रहने दीजिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पर हाँ यहाँ पर आ जाइए इन वच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग आर द फर्स्ट एक्जेंट जो है एक्सटेंट करेक्ट आर्ग्स फाउंड पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है सही मेहराब का मतलब समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे वन सेकेंड सही मेहराब पाई गई है इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार आर्ज मेहराब का मतलब हो जाता है इट लाइक इक दिस ओके इस तरीके से आर्ज का फाउंडेशन टू एंड हाफ डे हट इसको बेसिकली अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो झोपड़ा बोलते हैं कुवतुल इस्लाम मस्जिद है सुल्तान बलबन का मकबरा है अलाई का दरवाजा है और उपरयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना ये बड़े मज़ेदार होते हैं अब आप सोचेंगे कैसे मज़ेदार होते हैं क्योंकि जब इसमें ई विकल्प आता है तो ये और ज्यादा क्या कर देता है आपको <coughs> बेचैन कर देता है चलिए पूछा जा रहा है इट मीन्स अगर मैं इसको साधारण शब्दों में अगर बोलूँ यहाँ पे गुड इवनिंग गुड इवनिंग साधना है ना अब शाजिया मैम की उद्यमी बच्ची <laughs> आप सभी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं आप सब लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए इसमें क्या होना चाहिए आंसर पहली बार बोला जा रहा है कि आग जो फॉर्म है ये देखने को मिला और डियर ऑल स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा भाई हाँ क्लास से जुड़े हैं तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हृदय कह रहे हैं अलाई दरवाज़ा हृदेश आपको पता नहीं कि अलाई दरवाजा बहुत बाद में बना है uh, अगर बात किया जाए तो गुलाम वंश में ऑलरेडी कई सारे रूलर्स आ चुके थे आफ्टर दैट खिलजी डायनेस्टी आ रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि किसमें पहली बार मौजूद सही मेहराब पाई गई फॉर द फर्स्ट टाइम द एग्जैक्ट करेक्ट आग्ज फाउंड इन विच मोनूमेंट और बिल्डिंग ये पूछा जा रहा है और सब ने अपने अपने तरफ से गुड इवनिंग जी uh, क्या नाम है uh, दागेश्वरी हाँ जी तो आंसर गलत जो है दे रहे हैं आप सब लोग तो थोड़ा सा सोच करके आंसर दीजिए यहाँ पे हाँ जी थोड़ा सा सोच करके आंसर दीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है तो सी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बलबन का मकबरा आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर कि बलबन का मकबरा जो है ये पहली बार इट वॉज द यानी इसके बारे में कहा जाए कि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली यानी इसके बारे में अगर ये कहें सो वॉट वी कैन से कि ये पूरी तरह से क्या था इंडो जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है जी तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि बलबन का मकबरा भारत में विशुद्ध रूप से पहली बार हम लोगों को इसमें क्या दिख रहा है आज दिख रहा है सो बलबन टॉम इज द फर्स्ट टॉम इन इंडिया बिल्ट इन प्योरली इस्लामिक स्टाइल इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्क वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय साइंटिफिक मेथड इसीलिए आपका सी इज द राइट आंसर चलिए जी अब आते हैं यहां पर हम लोग इस पे यस हृदय गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग विच किंगडम वॉज़ फेड बाई द तुंग भद्रा रिवर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि तुंग भद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ या ये भी कह सकते हैं कि क्यों कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसके लिए वरदान बना या जिसके लिए जीवन जो है या ये कह सकते हैं कि लाइफ लाइन थी तुंग भद्रा रिवर दैट वॉज चोलाज विजयनगर जो है उसके अलावा वाका पांड्यास और इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक प्रश्न समझ में आ गया आप सबको यहां पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ जी प्रश्न समझ में आ गया आप सबको यहां पे ये बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है आप सबको अरे भाई गदर मचाइए कुछ प्रश्न में सही आंसर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि मेरे बच्चे क्लास में सही आंसर दे रहे हैं ऐसे गलत सलत आंसर दे दे कि तो आप लोग आज गदर मचाए हुए हैं हाँ चलिए आंसर दीजिए क्या होना चाहिए विच वन इज द राइट आंसर प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये आप लोग समझ गए होंगे क्या पूछा जा रहा है है ना चलिए जी आते हैं इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और बेहतर आंसर दिया है थोड़ा सा गदर मचाइए भाई क्लास में इस तरह से क्या एकदम सुस्त से कोई भी आंसर जो है उल्टे फुलटे आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचिए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे चलिए बहुत बढ़िया वेल्डन well जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है सो बी इज द राइट आंसर विजयनगर देखिए महान अगर इसके बारे में कहा जाए तो विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य अवश्य था जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं मिली हैं अब चर्चाएं किस संदर्भ में चर्चाएं विजयनगर की सुंदरता के संदर्भ में चर्चाएं विजयनगर में जिस तरह का जो रख रखाव था या जितना आमदनी जितना पैसा जितना समृद्ध था ये तो विजयनगर की बहुत चर्चाएं स्पेशली जो भी विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने विवरण में जरूर बताया कि विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है और ये रणनीतिक रूप से अगर कहा जाए और इसके अलावा अगर कहा जाए कि जोग्राफिकल इिगेशन तो जो जो होना सिंचाई होना ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हो पाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा रिवर के कारण यस सचिन गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके है तो चलिए अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ये वाला जो है ना ये प्रश्न है, ये आपके यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ओके प्रश्न ये पूछा जा, जा रहा है कि हु वेयर द द इन जनरल ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास में खास तौर से बंजारा जो थे वो कौन हुआ करते थे हाँ कौन हुआ करते थे क्या वो कृषक थे योद्धा थे आ, उसके अलावा बुनकर थे या व्यापारी थे तो बेसिकली किसको हम लोग बंजारा बोलते थे मध्यकाल में प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग चलिए भाई आंसर दे दीजिए बिना विलंब किए हुए जल्दी से आंसर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में आप लोग दिक्कत नहीं होगा आप सबका चलिए जी बताइए हृदय कह रहे हैं कि व्यापारी थे अच्छा जी चलिए लग रहा है मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में आप सब लोग पक्का जो है गदर मचाने वाले हैं लग रहा है मुझे और प्यारे बच्चों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए भाई जल्दी से जितने लोग भी हैं क्लास को व्यापारी थे बिल्कुल सही आज भी देखिएगा जैसे दिल्ली का गुड़गांव का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो गुड़गांव के पास में भी क्या एक बंजारा मार्केट है और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो उनके हाथ से जो बनाए जाते हैं जैसे पॉटरीज हो गए अलग अलग टाइप के जो हैं क्राफ्ट्स हो गए वो सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज भी बहुत फेमस है वो बंजारा मार्केट तो बंजारे जो होते थे स्पेशली मध्यकाल में ये व्यापारी हुआ करते थे एग्जैक्टली बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर व्यापारी चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज रजियाज कॉन्फिडेंट आमिर याकूत खान आर रेजिडेंट ठीक है ना ये बोला जा रहा है अब इसको अगर सिंपल बारे में अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो रजिया का जो विश्वास पात्र जिसको याकुत भी बोलते हैं हम लोग तो ये कहाँ का निवासी था ईरान का मिस्र का अबिसिया का मंगोल का इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक बिल्कुल चाय पिला दीजिए <laughs> हाँ जी सचिन चलिए आंसर दीजिए आप सब लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है याकूत के बारे में कि याकूत जो है ये बेसिकली कहाँ का निवासी था वेयर ही बिलोंग्स टू ये कहाँ से था और चूंकि चलिए इसके आंसर के बाद अभी आगे मैं बताऊँगी कि क्या इसके आगे की कहानी है हाँ कुछ लोगों ने ईरान आंसर दिया है जैसे विक्रांत का आंसर देखिए जो गलत आंसर दे रहे हैं ना मैं उनका नाम बता देती हूँ जैसे विक्रम विक्रांत का आंसर ये दिखा है और कौन है यहाँ पर कुछ मंगोल भी कह रहे हैं जैसे सचिन ने यहाँ पे मंगोल आंसर दिया है ठीक है और कौन है यहाँ पर मैम अब गदर नहीं मचेगी आपकी मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स क्लास में गदर मचाती थी बिना आपके कहे आकृति अच्छा उदास मत हो ये कोई बात नहीं है ना मैं यहाँ पर तो हूँ ही अभी इसके इस वाले सेशन में परेशान नहीं होना है अभी इस क्लास में यहाँ गदर मचाइए हिस्ट्री के एमसीक्यू में गदर मचाइए जम करके चलिए आते हैं ये अबिसीनिया ये कहाँ का निवासी था याकूत अबिसीनिया इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो रज़िया सुल्तान के संदर्भ में देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो रज़िया सुल्तान ने क्या किया था याकूत को पद दिया था कौन सा अमीर आखूर का Amide ahur. इस वजह से जितने भी नोबल्स थे नोबल्स मतलब हो गया कि जो भी इस समय के जो अमीर वर्ग थे वो काफ़ी चिड़ गए थे कि ये जो है एक अफ्रीकी मतलब अगर बोला जाए इनके संदर्भ में होने के बावजूद कैसे एक बड़ा और उच्च पद रजिया के द्वारा दे दिया गया इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो लोग थे जो अमीर वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा चिड़ गए थे और चिढ़ने के कारण जो है रज़िया को इन्होंने क्या किया कि एक तरह से पूरी कॉन्स्परेसी की जाने लगी कि इसी भी तरह से रज़िया सुल्तान को क्योंकि इनको यह लगता था कि हम तुर्क जो है नस्लीय रूप से सबसे ज्यादा क्या है सर्वश्रेष्ठ है ये, ये कौन थे? ये थे? अब इनका मानना था कि हम तुर्क्स जो है ये क्या है हम लोग सबसे ज्यादा हाई जो है जिसको कह लीजिए कि या, शुद्ध रूप से हम लोग क्या है यहां पर काफी और उसके बाद से रजिया ने कैसे किसी अफ्रीकी को जो है इसने बड़े पद पर आसीन किया और यही कारण है कि याकूत जो है यहाँ पर कि इसमें इसके बारे में अगर कहा जाए तो रजिया जो है अमीर वर्ग से के द्वारा के उनके षडयंत्र का शिकार होने का एक बहुत बड़ा कारण बना यही मुद्दा जो है यहाँ पर चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल वॉरियर्स हैड रिच द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन परसुईट ऑफ परसुइंग जलालुद्दीन मंगबरनी ये जो नाम है ये जलालुद्दीन मंगबरनी का नाम है चंगेज खां बातू खां तैर बहादुर तैमूर लंग इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक सो विच वन इज द राइट आंसर यस शिवानी गुड इवनिंग कैसी हैं यस शिवानी खूब खुश रहिए खूब अच्छा करिए और क्लास में बने रहिए क्लास में बने रहिए जुड़े रहिए मैं यही कहूँगी यहाँ एक प्रश्न समझ गए होंगे आप सब लोग यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए कौन यहाँ तक आ पहुँचा था समझ गए होंगे आप सब लोग यहाँ पर इतने एड आने लगते हैं ना यूट्यूब में पता नहीं हाँ जी आंसर दीजिए इसमें यहाँ पे कौन था वो जल्दी बताइए यहाँ पे देखो जरा इस प्रश्न में आप लोग गदर मचा रहे हैं कि नहीं मचा रहे हैं हालांकि ये प्रश्न इतना टफ नहीं है मैं आपसे रियली बोलू अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर इस पे फोकस कर देंगे ना देन आप लोग सही वाह क्या बात है एकदम बिल्कुल शानदार जवाब सबने दिया चंगेज खा यस मंगोलिया का चंगेज खान था ये जो कि जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तट तक आ पहुंचा था जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चलिए अब देखते हैं यहां पे कि चंगेज खान ख्वारिजम युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था उसे इसने पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया संभवतः ऐसा मतलब ये है कि जलालुद्दीन ने अलतुतमिश से कहा था कि भाई मदद कर दो हमें क्योंकि दिक्कत यह है कि चंगेज खां जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं तो इलतुतमिश ने यहाँ पर अपनी एक तरह से कह लीजिए बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए अल्तुतमिश ने यह कहा कि भाई अभी हमारा नवस्थापित साम्राज्य है दिल्ली सल्तनत तो और अगर हमने तुम्हारी मदद कर दी तो इतना तो तय है कि इसके बाद कहीं ना कहीं से फिर जलालुद्दीन ये चंगेज़ खां दिल्ली सल्तनत को तो नहीं बख्शेगा इसीलिए उसने इसकी हेल्प नहीं की थी और इतिहास में ये इलतुतमिश की दूरदर्शिता का परिचय माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत किसी भी आक्रमण से विशेषकर चंगेज़ खां के आक्रमण से बचने का एक कारण बना यहाँ पर इलतुतमिश का विजन या दूर तक का सोच पाना या अगर वो उतने दूर का एनालाइज नहीं कर पाता तो शायद इट इत नॉट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको बचा पाते क्योंकि ये बर्बर थे और ये जहां भी जाते थे अब आप सोच लीजिए कि जो जो ये होते थे आप जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मंगोल है ना मंगोल्स ये इतने भयावह होते थे कि ये हालत था कि ये जहां से भी गुजरते थे सपोज दैट इनकी सेना जो है ये यहां से गुजर रही है तो ये जहां से गुजरते थे ना उस पूरे शहर को क्या करते थे डिस्ट्रक्ट कर देते थे या डिस्ट्रॉय कर देते थे उसके बाद वहां कुछ नहीं बचता था समझ में आ गई बात ये हालात थे यहां पे तो मंगोलों का जो उस समय पर जो फियर क्रिएट था ना कोई नहीं चाहता था कि मंगोलों से किसी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी ये जो है बड़े स्तर पर यहां पे किसी तरह का कोई भी इनसे दुश्मनी लिया जाए नहीं तो ये बर्बादी कर के ही मानेंगे ये दिक्कत थी ठीक है जी एक सेकेंड रुकिए क्लियर है यहां तक आप सबको इज़ इट क्लियर हाँ जी यहां तक क्लियर है आप सभी को यहां तक क्लियर है चलिए इज़ इट क्लियर और डियर ऑल स्टूडेंट प्लीज़ क्लास को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना क्लास को मैंने बोला था थोड़ा बहुत तो शेयर कर दीजिए रीच बढ़ाइए क्लास की रीच बढ़ाइए कम से कम बढ़ेंगे तो फिर क्या है चीज़ें चलेंगी स्मूथली चलिए जी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अंडर विच इन्वेजन वाज मलिक काफूर मेड प्रिजनर मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत जो है यहाँ पर बंदी बनाया गया था इज दैट रड़थम्बौर इन्वेजन चित्तौड़ इन्वेजन गुजरात इन्वेजन देवगिरी इन्वेजन नन ऑफ दी अबव एंड मोर देन वन ऑफ दी अबव चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए प्रश्न समझ गए आप सब लोग यहाँ पे पूछा जा रहा मलिक काफूर का नाम आप सबने सुना होगा है ना तो मलिक काफूर के बारे में ये प्रश्न है कि भाई कौन से आक्रमण के बाद मलिक काफूर जो है उसको क्या किया गया यहाँ पर जो है बंदी बनाया गया था तो रथम्बौर पर आक्रमण के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद या फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे देवगीरे के आक्रमण के बाद वैसे ज्यादातर लोग अभी के प्रश्न में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हाँ अभी के प्रश्न में यहाँ पर अच्छा हाँ किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैम ये बी जो है ये सी है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसको ऐसे देख लीजिए ये सी है ठीक है ना आइए अब ठीक रहेगा अब सही रहेगा आंसर आप सबका. ये इसको कहते हैं देखिए इसको कहते हैं कि अगर प्रश्न कैसा भी आए तो आपको मालूम है कि एक बी के बाद क्या होगा सी होगा हाँ किसी ने भी करेक्ट कराने की कोशिश नहीं की <laughs> दादी माँ हमेशा आपके साथ रहेंगी तो टेंशन ना लें है ना बस जो है दादी माँ भी यही कहेंगे कि बच्चा पढ़ लो पढ़ोगे तो सब चीज़ याद रहेगा नहीं पढ़ेंगे ना हृदय तो याद कुछ नहीं रहेगा तो चाहे वो अपनी माँ हो चाहे वो दादी माँ हो चाहे वो भाभी माँ हो कोई भी हो भाई एक ही चीज़ होती है कि आप पढ़ते जाइए पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी अदरवाइज कुछ नहीं याद रहेगा है किसी ने नहीं कहा यहाँ पे ये पूछा गया कि कब देखिएगा दिल्ली सल्तनत की सेना जब गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अनिलवाड़ा को लूटते लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया गया जिस जो शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया था ये वही मलिक काफूर है जिसके बारे में बात हो रही है चलिए जी नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द सल्तनत टू गिव कैश यहाँ पे बात हो रही है कि कैश सैलरी कौन देता था यहाँ पर इज़ दैट इलतुतमिश इज दैट बलवन इज दैट अलाउद्दीन खिलजी इज दैट मोहम्मद बिन तुगलक नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव <laughs> समझदार हैं आप सब लोग <laughs> चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए सो विच वन इज द राइट आंसर पूछा जा रहा है नकद वेतन देखिए होता क्या था ना पहले सैलरी जो है अनाज में भी दिया जाता था या लैंड दे दिया जाता था कि भाई ऐसा है आपको हम ये जमीन दे रहे हैं और आप क्या करिए कि आप ये जमीन अगर लेकर के रखेंगे तो आप इस पर जो भी करवाना है करवाइए जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा वो सब आपका तो एक प्रोसेस ये भी होता था ठीक है जी चलिए लगभग लगभग सबने यहाँ पर आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया डन well इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों प्रश्न ये पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है हमने बनाया समझदार <laughs> चलिए ये तो अच्छी बात है ये तो अच्छी बात कहते हैं ना देखिए उम्र जो होता है ना उम्र एक ऐसी अवस्था होती है इंसान के जीवन में ना वो सब कुछ सिखा देती है धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे कि पहले जब आप छोटे होंगे तो पहले हर हर बात का गम ज़्यादा होता होगा लेकिन एक समय के बाद अब क्या है कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में लाइट मोड में आ जाती हैं सब कुछ ना उम्र सिखाता है आपको है ना तो कहते हैं ना उम्र और साथ में कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट यहां देखिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिएगा इसने भू राजस्व को नकद वसूलने के पीछे यह उद्देश्य था ताकि वो सिपाहियों को नगद वेतन दे सके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप दे दिया था यानी इसके कंटेक्स में अगर कहा जाए स्पेशली इन द कंटेक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा है स्ट्रांग होता है मजबूत होता है ठीक है ना स yes, क्योंकि उसने दो तीन तरह के क्या किए यहां पर रिफॉर्म किए थे एक तो उसने मार्केट पॉलिसी वो लेकर आता है दूसरा उसके अलावा वो क्या करता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार करता है और तीसरा वो सैन्य सुधार करता है मिलिट्री और आर्मी इसको क्योंकि उसे लगा कि जो साम्राज्य के जो मुख्य स्तंभ हैं हम क्यों ना उसे सबसे पहले सशक्त करें अगर ये सशक्त रहेगा तो फिर हम आगे भी क्या कर पाएंगे हम चीजों को बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे ओके okay? तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है यह वो सुल्तान था जिसने नकद वेतन देना शुरू किया अच्छा मुझे एक बात बताइए एक सिंपल सी बात बताइए आप काम करते हैं मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बेटा थोड़ा सा मेरा काम कर दो मैं तुमको इसके बदले अनाज कपड़ा कुछ दे दूंगा लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि बेटा तुम मेरा थोड़ा सा काम कर दो मैं तुमको इसके बदले 1000 या 2000 रुपए पे कर दूंगा आप किस में ज्यादा खुश होंगे मुझे बताइए मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आप किसमें खुश होंगे जो नकद वेतन पे करेगा उसमें खुश होंगे या जो आपको कपड़े दे देगा उसमें खुश हो जाएंगे हाँ जी बताइए जरा देखूं कि आप लोग किसमें खुश होते हैं करेंसी uh, मिलने पे खुश होते हैं <laughs> या आपको कोई ये कहे कि नहीं मैं मैं आपके सारा स्टेशनरी का सामान दे दूंगा मैं आपको कपड़े परचेज करवा दूंगा बट मैं आपको पैसा नहीं दूंगा लेकिन कोई कहे कि मैं ऐसा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा बाकी जो है आप उस पैसे का जो चाहो आप परचेज करो इट्स अप टू यू किस में आप ज़्यादा खुश होंगे जल्दी बताइए भाई किस में ज़्यादा खुश होंगे ये देखिए शालू कह रही है नगद में खुश होंगे <laughs> नगद में हृदय का भी यही कहना है Uh, और कौन है यहां पर सचिन कह रहे हैं पहले यही होता था बदले अनाज के बदले उसको बाटर सिस्टम बोलते हैं हाँ उसको बाटर सिस्टम बोलते हैं नगद वेतन है ना <laughs> सबके सब मतलब गजब हालत है हाँ गुड इवनिंग हसनैन यस हसनैन गुड इवनिंग सबको नगद वेतन चाहिए यहाँ पे इससे पता चलता है कि क्लास की पूरी की पूरी मेजोरिटी एक साथ जा रही है किस मामले में कि भैया ऐसा है नगद वेतन दे दो खुश अगर हो अगर हमसे बहुत खुश हो रहे हैं और मेरे काम से तो ऐसा है कि अप्रिशिएट करने के लिए प्राइस मनी एक लिख रहे हैं प्राइस मनी चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना आइए आते हैं अगले प्रश्न पे निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मोहम्मद बिन तुगलक एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट दीवाने अमीर कोही इज दैट रेवेन्यू इज दैट एग्रीकल्चर करेंसी मिलिट्री नन ऑफ द अब एंड मोर देन वन ऑफ द अब सो विच वन इज द राइट आंसर सो काइंडली गिव योर आंसर चलिए भाई जल्दी से आंसर दे दीजिए इसमें क्या है इसका क्या होना चाहिए बहुत इजी प्रश्न है ये मुझसे पूछिएगा अगर तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है एकदम आप लोग जो है क्लास में तबाही मचा सकते हैं ये हालत कर सकते हैं ये आप लोग तबाही ला सकते हैं ये वो वाले प्रश्न है जिसमें गदर नहीं तबाही लाई जा सकती है है ना हाँ, तो देखो मैं क्या कर करें यस एग्जैक्टली दीवाने अमीर को ही दीवान अमीर को ही बहुत बढ़िया एकदम शानदार इसी तरह से आंसर दिया कीजिए देख करके मन खुश हो जाता है थैंक यू सो मच चलिए जी यहाँ पूछा गया है कि क्या था किससे रिलेटेड था सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे कि देखिए उस समय पर स्पेशली जब सल्तनत का जो काल है तो उस समय पे क्या था या yeah, इनफैक्ट आप देखेंगे जब तक कि ब्रिटिशर्स uh, आते हैं तब तक भारत में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत अगर कहा जाए तो जो कंडीशंस थे जो हालात थे और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो क्या थी कि एग्रीकल्चर में सुधारो क्योंकि कृषि आधारित ही क्या है पूरा का पूरा जो मामला था तो अगर एग्रीकल्चर सही नहीं होता या एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तो लैंड रेवेन्यू नहीं आएगा और अगर लैंड रेवेन्यू नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य मजबूत नहीं होगा तो राज्य को मजबूत करने के लिए आवश्यकता किस चीज की है आवश्यकता है लैंड रेवेन्यू की ओके और लैंड रेवेन्यू अगर आता रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा यहां पर इससे फायदा इसका बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं से स्टेट मजबूत होगा इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसने क्या किया था यहां पर जो है दीवाने अमीर को ही डिपार्टमेंट इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति अपनाई which ruler of the Delhi Sultanate adopted the policy of collecting jizya as a separate tax? Is that Alauddin? Is that Balban? Is that Firoz Shah Tughlaq? Muhammad bin Tughlaq? देखते चलिएगा A, B, C, D and last में है none of the above and more than one of the above. चलिए जी आंसर दे दीजिए. हाँ जी आंसर दे दीजिए सब लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर? So which one is the right answer? हाँ, मैं कमेंट्स देख रही हूँ आप सबके आप उसकी टेंशन ना लें है ना आप उसकी टेंशन ना लें बस आप आंसर दीजिए ये पूछा जा रहा है कि जजिया को किसने सेपरेट टैक्स में कन्वर्ट कर दिया था वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था हु uh, जो है यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है हु एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ कलेक्टिंग जजिया एज अ सेपरेट टैक्स चलिए इसके आंसर ले दे दीजिए आप लोग क्या होना चाहिए सो विच वन इज द राइट आंसर प्रश्न समझ में आ गया आप सबको यहां पे चलिए सब ने आंसर दे दिया यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों ने सही आंसर दिया समझिएगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज़ फिरोज शाह तुगलक देखिए फिरोज शाह तुगलक के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये अपने आप को दिखाना चाहता था कि दैट ही वाज जो है एक तरह से बहुत सच्चे मुस्लिम हैं और क्या है हम स्टेट को जो नेचर है वो किस तरह से फॉर्मेट करना चाहता था तो वो जाता था इस्लामी राज्य के रूप में इसको कन्वर्ट कर दें एंड दैट्स वाई उसने जजिया को जजिया जो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हिंदुओं से इस समय पर जो टैक्स लिया जाता था तो इस ज़ज़िया को उसने अलग से क्या किया आरोपित कर दिया। हालांकि ये कदर ध्यान समझिएगा। जब भी यहाँ पर शासन मध्यकाल में आप देखेंगे कि जो भी शासक, स्पेशली मान लीजिए कि अगर सेक्युलर है, है ना? अगर उसका राज्य का स्टेट सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो वो ज़ज़िया क्या करेगा? हटा देगा। है ना जजिया जो है क्योंकि भाई आप किसी पे भी उसके अब जैसे ये देख लीजिएगा यहाँ पे तो ये टैक्स जो है जैसे सेकुलर जो भी यहाँ पे तो ये कुछ शासकों ने इसे हटाया और कुछ जो धर्मांध हैं धर्मांध का मतलब क्या हो जाता है कि वो धर्म के कंटेक्स में इतने ज्यादा क्या हो चुके हैं कि वो जनता और कॉमन मतलब जितने भी कॉमनर्स हैं जितने भी जनता है आम जनता को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं तो जनता को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ना जनता कॉमनर्स जो होती हैं या जो मास पीपल होते हैं सबके अपने धर्म है लेकिन आप किसी को ये, इस बात पे उसको आंकलित करिए कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये क्रिश्चियन है ये ईसाई है दैट इज रॉन्ग दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग है ना आप अगर शासक जैसे सम्राट अशोक ने क्या कहा सम्राट अशोक ने कहा कि समस्त जनता मेरी क्या है संतान है ये वाली फीलिंग जिस भी शासक के अंदर आ जाएगी कि जितनी जनता है वो सब मेरे बच्चे हैं तो इट मीन्स आप सबको बराबर से देखते हैं लेकिन अगर आप किसी के साथ ये करते हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख है ये ईसाई है अगर कोई इस तरह से करना शुरू कर दे इट मीन्स कि वो क्या है वो धर्मांध शासक है वो अपने धर्म के चश्मे से ही क्या कर रहा है पूरे स्टेट को डिफाइन कर रहा है और उसके ऊपर क्या है धर्म जो है वो हावी है सेम लाइक दैट असि फिरोज शाह तुगलक के कंटेक्स्ट में था कि वो धर्म के चश्मे से चीज़ों को देख रहा था और जिसके कारण उसने क्या किया जजिया को एक सपरेट टैक्स के रूप में उसने बनाया ठीक है जी तो कभी भी यहां पर समझिएगा सच्चा और एक बढ़िया शासक कौन हो सकता है अच्छा और बेहतर शासक वही होता है जो सबको साथ लेकर चले है ना तो ये चीजें आप देखेंगे यहां पे किसके कंटेक्ट में हम लोग देख रहे हैं चलिए पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत इन दिल्ली सल्तनत राहट वाज रिलेटेड टू राहट आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में राहट जो है यह किससे संबंधित था टैक्स से इरिगेशन से अकोमोडेशन से बॉन्डेड लेबर से नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव कर सिंचाई आवास बंधुआ मजदूरी और उपरयुक्त में से कोई नहीं और उपरयुक्त में से एक से अधिक सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए इसका आंसर दे दीजिए रहट क्या था सवाल ये उठ रहा है कि वाट इज रहट रहट क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है ये किससे रिलेटेड था ए बी सी डी किससे रिलेटेड था आइए देखते हैं क्या आप लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जल्दी दीजिए और डियर ऑल स्टूडेंट प्लीज़ क्लास को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बहुत बढ़िया वाह बहुत बढ़िया वेल्डन इस प्रश्न में लगभग लगभग <coughs> हसनैन हाँ मुझे आपका आ, कमेंट दिख रहा है आप प्रश्न का आंसर दीजिए ना इसमें इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप आंसर दीजिए आप आए हैं एमसीक्यू सेशन में तो आप आंसर देना शुरू करिए ना यहां पर चलिए तो सबने यहां पर अपना आंसर दे दिया यहां पे तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड था दिस बिलोंग्स टू इरीगेशन है ना ये किससे रिलेटेड था ये इरीगेशन से संबंधित था मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट जो है ये काफी प्रचलन में था और इसकी सहायता से सिंचाई हेतु तो पानी अधिक गहराई से निकाला जा सकता था सो so, कुछ जो जैसे आप पढ़ते होंगे बेसिकली यहां पर आर्ट एंड कल्चर जैसे आप पढ़ते हैं ना तो देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में आपका एक टॉपिक है ना यहाँ देख लीजिएगा इन आर्ट एंड कल्चर आपका टॉपिक है साइंस एंड टेक थ्रू एजेस शायद आप लोगों ने नितिन सिंघानिया पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक थ्रू एजेस ठीक है ना ये प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं यहाँ पे तो उसी से संदर्भित है जो यहाँ पे पूछा जा रहा था चलिए अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे वो ये है कैपिटल गुलबर्गा टू टू बीदर निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित कर दिया था इज दैट फिरोज शाह बहमनी हसन गंगू अहमद शाह बहमनी महमूद गवा उपरयुक्त में से कोई नहीं और उपरयुक्त में से एक से अधिक सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए इसका आंसर दे दीजिए कमेंट्स छोड़िए भाई पहले आंसर देना शुरू करिए ना पहले आंसर तो देना शुरू करिए क्वेश्चन समझ गए आप लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई बहमनी सुल्तान है इसमें से जिसने राजधानी कैपिटल गुलबर्गा को क्या किया था बीदर गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित कर दिया था सो बेसिकली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट हु शिफ्टेड यानी ये जो प्रश्न है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग बहमनी सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल गुलबर्गा टू बीदर इज़ दैट फिरोज शाह बहमनी हसन गंगू अहमद शाह बहमनी महमूद गवा नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर mm -hmm, mm -hmm. सब ने गलत आंसर जो है दे करके तबाही मचा दी इस बार आइए देखते हैं अहमद शाह बहमनी अटैक्ड वारंगल एंड मर्ज इट्स ऑथराइज टेरिटरीज इन हिज सल्तनत टू कॉन्सिलिडेट हिज रूल ओवर द न्यूली कंक्वेड टेरिटरीज ठीक है ना ही मूव टू द कैपिटल फ्रॉम द गुलबर्गा टू विदर इसने जो नए जो जो नए इसके टेरिटरीज थे उसका एक्सपैंड किया और इसने ही क्या किया था यहाँ पर यानी अहमद शाह बहमनी ने जब वारंगल पर आक्रमण किया तो उसके अधिकृत प्रदेशों को इसने अपने सल्तनत में मिलाया और नव विजित रात में अपने शासन को मजबूत करने के लिए इसने राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले जाता है सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं है? चलिए जी अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग रियल फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात प्रश्न क्या पूछा जा रहा है गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था इसमें से मुजफ्फरपुर शाह अहमद शाह फर्स्ट जफर खान अलाउद्दीन हुसैन शाह और इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए भैया आंसर दीजिए सब लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वेश्चन समझ गए हैं आप लोग आप लेट हो गए हैं फ्यूचर आईपीएस? नहीं थोड़ा सा ऑन टाइम रहिए थोड़ा सा ऑन टाइम रहिए कोशिश करिए ऑन टाइम रहने का कहाँ पढ़ लिया है जीनियस कार्तिक जी हाँ जी कार्तिक कहाँ पढ़ लिया आपने कि जफर खान ने जफर खान जो है ये गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था वेयर यू रीड दीज थिंग्स अच्छा एक चीज मैं बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा गुजरात के बारे में पढ़ते हैं कैपिटल क्या है गुजरात की गुजरात की कैपिटल क्या है चलिए इसी से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ गुजरात का कैपिटल क्या है भाई बताइए जरा हाँ जी बताइए हाँ, गुजरात का कैपिटल क्या है कुछ उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं अच्छा ठीक है और गुजरात का मान लीजिए चलिए एक फेमस शहर के बारे में ही बता दीजिए क्या है चलिए बताइए यहाँ पे गुजरात का ही एक फेमस सिटी है ना जो आपको मालूम है गुजरात का ही एक फेमस सिटी है जो आपको मालूम होगा कि कौन सा है चलिए जी चलिए अब आते हैं यहाँ पे देखिए गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक के तौर पे देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ वास्तविक अगर संस्थापक बोला जाए तो मुजफ्फर शाह के पौत्र यहाँ पे बात अगर बोला जाए तो ये है मुजफ्फर शाह मुजफ्फर शाह के पौत्र यानी पोता ठीक है ना तो मुजफ्फर शाह के पौत्र इनका नाम क्या है अहमद शाह फर्स्ट इसको रियल फाउंडर माना जाता है ऑफ गुजरात तो इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आपका यस yes, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? जी बताइए जरा आप सब लोग तो इस हिसाब से आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा सो विच वन इज द राइट आंसर बताइए हाँ तो मुजफ्फर शाह के पौत्र पौत्र यानी ग्रैंडसन अगर जो है तो अहमद शाह अहमद शाह को माना जाता है कि ये गुजरात का रियल फाउंडर तो इसीलिए इसका जो आंसर है बाकी तो आप लोग अब समझ ही जाएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा चलिए जब आते हैं यहाँ पे वन सेकेंड सॉरी 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 हाँ आ, यहाँ पे पूछा जा रहा है खजाइन फतू नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है ठीक है ना यहाँ पूछा जा रहा है कि आ, कौन से जो है यहाँ पर शासक के बारे में द फॉलोइंग रूलर्स हैव बिन डिस्क्राइब इन द लिटरेचर टाइटल खजाइन फतूर रजाइन नहीं है खजाइन 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 फतूर ठीक है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस शासक के शौर्य का यानी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि किसी वरियर शासक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो लिटरेचर इन खजाइन फतू गयासुद्दीन तुगलक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी बलबन इल्तुतमिश उपरयुक्त में से कोई नहीं और उपरयुक्त में से एक से अधिक थोड़े कंफ्यूज थे कोई बात नहीं क्या कोई क्लास चल रही है क्या आप लोगों की हाँ जी क्या कोई क्लास चल रही है क्या आप लोगों की चलिए किसका ये आंसर क्या होना चाहिए इसका यानी ये जो खजाइनुल उल फुतूह है नॉट आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन चलिए कोई नहीं कोशिश करिए कोशिश करिए कोई दिक्कत नहीं कोशिश करिए देखिए खजाइनल फुतूह के बारे में सबने मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न से चकरा गए हैं कि पता नहीं क्या आंसर होगा देखिए खजाइनल फुतूह के बारे में अगर बोला जाए ना तो यहां समझिएगा ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है सो खजाइन ठीक है ना खजाइन फतूह जो है ये हम लोग क्या देख रहे हैं तो आ, ये इज द वर्क ऑफ अमीर खुसरो इन ही हैज खुसरोन विद लाइक सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड सुल्तान ऑफ ऑफ द द अर्थ कनकुअ ऑफ द जो है शेफर्ड ऑफ द पीपल तो अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है इनके द्वारा खजाइन उलफूह में इन्होंने अलाउद्दीन को कहा है विश्व का विजेता पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है युग का विजेता जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है किसने अमीर खुसरो ने क्लियर है ये आप सबको तो अमीर खुसरो देखिए अमीर खुसरो के बारे में कहा जाए तो कहा जाता था कि तूतीय हिंद किसको कहा जाता है यानी इनके द्वारा बहुत सारी पहेलियां रुबाइयां इनफैक्ट संगीत वगैरह आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें जो है कला के संदर्भ में इनका बड़ा ही अभूतपूर्व क्या रहा है योगदान रहा है तो इसलिए कहा भी जाता है कई बार प्रश्न भी आता है आप लोगों का कि भारत का तोता किसको कहा जाता है हु इज ऑलमोस्ट जो है फेमस एज द पैरोट ऑफ इंडिया कौन जाना जाता है इस नाम से तो तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है और अमीर खुसरो की पहेलियां पहेलियां बड़ी शानदार शानदार पहेलियां हैं वो इनके द्वारा रची गई हैं साहित्य की रचना की गई है तो आप देख सकते हैं इनके संदर्भ में क्लियर है या इज इट क्लियर चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खानकाह जो होता था इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोविंग ठीक है ना खानका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बुद्धिस्ट आश्रम जैन आश्रम सूफी आश्रम हिंदू आश्रम none of the above and more than one of the above खानका किसको कहा जाता था शायद आपने सुना होगा यहाँ पर शिवानी या नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं अब सुन लीजिए खानकाह के बारे में सुना है आप सब लोगों ने कभी मेडिवल uh, जब पढ़ते होंगे आप लोग तो आप लोग शायद आपने पढ़ा होगा खानकाह के बारे में माइट पॉसिबल मतलब मैं ये तो नहीं हूँ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हाँ जी अच्छा मुझे एक बात बताइए मैं चाह रही थी कि इस सेशन को आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बनाऊँ मैं कुछ सजेशंस चाहती हूँ आप लोगों के कुछ राय आप सब लोग दीजिए कि जैसा एम सेशन चल रहा है वैसे ही चलाऊँ या फिर टॉपिक कराऊँ और टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड एम सेशन कराऊँ क्या चाहते हैं आप आप बताइए मैं कुछ चाहती हूं आप लोगों से कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए आप लोग मुझे सुझाव दीजिए और आपके सुझाव जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वार्म वेलकम रहेगा है ना आपके जितने सजेशंस हैं ये आ, उसका जो है दिल से स्वागत है बस आप सजेस्ट तो कीजिए बस आप सजेस्ट तो कीजिए ठीक है जी तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में अगर कहा जाए खान का जो ये बेसिकली सूफी आश्रम हुआ करता था तो ये उसी से क्या है रिलेटेड है चलिए अब आज का सेशन यहीं तक रहेगा यहाँ पे है ना आज का सेशन यहीं तक रहेगा चूंकि अब अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे आ, बाकी जो है आप लोग मुझे बताइए चूंकि टाइम हो चुका guess, है गेस है ना टाइम हो चुका है बज चुका है और एक काम करते हैं आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग टॉपिक चाहते हैं कि टॉपिक मैं करवाते चलूं और उसके साथ साथ एमसीक्यू सेशन चले टॉपिक के साथ पीवाईक्यू पीवाईक्यू एमसीक्यू बराबर ही है पीवाईक्यू और एमसीक्यू बराबर ही है यहां पर हाँ अब मुझे कुछ सजेशन आप सब लोग मुझे दीजिए यहाँ पे कि आप लोग क्या चाहते हैं ये क्या कह रही है गुरु माँ मे को तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बुक सजेस्ट कीजिए फिर आपको सजेशन ये देख लीजिए ये बदला ले रही है कि पहले जो है बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेशन ले रखा है एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा ना हिस्ट्री ऑप्शनल की मैंने जो है प्रॉपर क्लास ली है आप लोगों की है ना ठीक है अब इसमें आप लोगों को क्या करना है जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल के तो एक बार उस उस वीडियो को देख लीजिएगा टॉपिक वाइज एम सी क्यू इनका कहना है कि टॉपिक के साथ साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करके करते रहे ऐसे ही ठीक है ये भी सही है चलिए ओके आप सबके जो सुझाव हैं वो बहुत जो है स्वागत योग्य रहेंगे लेकिन पहले क्लास को टॉपिक के साथ एम सी क्यू तो एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर मैं आ, जैसे मान लीजिए मॉडर्न का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है है ना मॉडर्न हिस्ट्री आप सबको पता है तो अगर मैं ये करूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक उठाऊं ठीक है जी अब टॉपिक उठा के यहीं से मैं आपसे प्रश्न दे दूं क्वेश्चंस दे दूं और वहां पर मैं आपको बताते चलूं तो इज दैट फाइन ये ठीक रहेगा ये वाला पैटर्न ठीक रहेगा हाँ ये ठीक रहेगा ओके रहेगा एक बार मुझे बता दीजिए अगर ये ठीक रहेगा तो फिर ये भी कर सकते हैं अब आप जैसा बोलिए जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे है <laughs> ना पढ़ना आपको है तो जैसा आप बोलेंगे वैसे ही चीज़ें चलेंगी चलिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर शाम में मिलते हैं आप सबसे ओके थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू टेक केयर अपना ध्यान रखिए ठीक है जी और प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके जी चलिए जी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू टॉपिक के अनुसार एमसीक्यू चलिए मैं वही सोच रही हूं मैं कल से कुछ नया आपके लिए जरूर मैं पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे ठीक है ये भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन भी मैं कर सकती हूँ तो चलिए लेट्स सी ओके जी ओके okay. आपके सुझाव बहुत स्वागत योग्य हैं एंड थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट आपकी इतने जो है प्यारे सजेशन के लिए इतनी कीमती सजेशन के लिए थैंक यू सो मच